मथुरा के नंदगांव भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। हालांकि ब्रजमंडल में मथुरा वृंदावन जगहों पर जन्माष्टमी में बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन नंदगांव की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्राचीन परंपरा के अनुसार आज ही के दिन जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड-19 के चलते इस बार जन्माष्टमी उत्सव पर पहले जैसी रौनक नहीं है, ना श्रद्धालुओं का सैलाब है, ना भक्तों की उमड़ती भीड़। केवल मंदिर के ही चंद सेवायत पुजारियों द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से गाए जाने वाली बधाई समाज का गायन प्रीतात्मक रूप से नंदगांव बरसाना के गोस्वामी समाज के चिन्हित लोगों द्वारा ही बधाई गायन किया गया है। मध्य रात्रि में 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। इसके बाद बुधवार को नंद महोत्सव भी मंदिर में परंपरागत रूप से ही मनाया जाएगा। इस दौरान बांस बधाई, शंकर लीला, मलयुद्ध सब होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से प्रतिवर्ष इस उत्सव में देश विदेश के हजारों लोग शामिल होते थे, मगर इस बार 15 से 20 लोग ही इस आयोजन का संपन्न करेंगे। मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी दी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है और मैं नंद बाबा मंदिर का सेवायत हूँ। जन्माष्टमी आज आपके यहाँ मनाई जा रही है, किस तरह का उत्सव चल रहा है? जी, उत्सव वही चल रहा है, ठाकुर जी का जन्म मनाया जा रहा है, जन्म की बधाइयाँ गाई जा रही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके से प्रतीकात्मक रूप में मनाई जा रही है कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए और शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को भी देखते हुए हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित रूप से वही व्यवस्था की गई है जो प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिली गई है, दी गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 10-15-20 लोग जो हैं नंदगांव बरसाना के जुड़ के जो समाज गायन कर रहे हैं। जो संख्या सैकड़ों में हजारों में होती थी वो तादाद आज सिर्फ 10-15-20 लोगों में है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है ठाकुर जी का अभिषेक रात को होगा। हर जगह पे जो जन्माष्टमी का महोत्सव है वो 12 तारीख को मनाने की बातें चल रही हैं, कहीं कोई जिस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ पर नंदगांव में आज 11 तारीख की जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से परम्परा के अनुरूप चली आ रही, जिस तरह से चली आ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन अष्टमी को ही भगवान का जन्म होता है। और वही जन्म आज जो है रात्रि 12 बजे ठाकुर जी के अभिषेक के रूप में मनाया जाएगा। नंद महोत्सव कैसे मनाया जाएगा कल? फिर नंद महोत्सव कल उसी चीज़ को देखते हुए, इसी गाइडलाइंस को देखते हुए, इसी के अनुरूप जो है नंद महोत्सव की भी तैयारियाँ पूरे व्यवस्थित तरीके से पहले से ही जो है हर चीज़ को सुचारू रूप से। नंद महोत्सव में लोगों को अनुमति अंदर आने की? श्रद्धालुओं बाहर के किसी लोग को भी, श्रद्धालुओं को किसी लोग को कोई भी अनुमति नहीं है, चाहे मेरे परिवार के लोग हैं चाहे आपके परिवार के लोग हैं, किसी को भी कोई जो है इजाज़त आने की। मंदिर बंद करके मनाया जा रहा है? जी, मंदिर बंद करके जो भी मनाया जा रहा है, जो भी त्यौहार मन रहा है वो मंदिर का गेट बंद करके, मुख्य द्वार को बंद करके अंदर मंदिर में भवन में मनाया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।